वेलकम टू प्रो टिप्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वेल जी, पर लाइन डिस्कनेक्ट हो रही थी, क्या कौन सा स्टॉक आपने रिपीट करी? एलएनटी विंदर जी, सर एक सेकेंड, एक काम करते हैं, मेरे ख्याल से ऑडियो में देखते हैं। प्रकाश सर, संक्षेप में आपका व्यू एलएनटी पर? एलएनटी पर बिल्कुल, वेल एलएनटी का जो चार्ट दिखता हूं मैं, तो उसके हिसाब से लगता है गिरावट तो है, और लगता है कि एक 1500 का जोन है, वहां पर एक सपोर्ट मिल सकता है। ज्यादा ही स्ट्रेच हुआ है, इसलिए बाउंस मिल, लेकिन बाय बनेगा कब? जब ये 1550 पार कर लेगा। जब तक 1550 पार नहीं करता, बाय नहीं बनता। फिलहाल स्ट्रेच्ड है, तो एक रिएक्शन मिल सकता है। एलएनटी तो ठीक है, प्रकाश सर को जरा फुल फ्रेम में दिखाओगे डायरेक्टर साहब? प्रकाश, जरा सुबह सुबह इतना ड्रेस्ड अप क्यों? ओवर ड्रेस हो गया क्या? नहीं नहीं, चमक आप कभी आप जो पहनो चमाल लगता है। मैं भी जैकेट पहन लूं ना, क्या फर्क पड़ता है? हम लोग थोड़ा सा अंडर ड्रेस्ड फील कर रहे थे, इसीलिए सवाल उठा दिया था। नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, जैकेट पहना। हां नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। समय नहीं है, टाटा मोटर्स एग्जिट अच्छे, इसको भी आपको ब्रेक डाउन करके देखना पड़ेगा। ओवरऑल नंबर में आप देखेंगे तो रेवेन्यूज गिरे हैं, एक्सपेक्टेशन से भी नीचे है, और एब्सोल्यूट टर्म्स में भी नीचे है। एबिटा भी 31-32% घट गया है यहाँ पे, लेकिन नंबर अच्छे आप इस लिहाज से मान सकते हैं कि जो इनकी जेएलआर, जो इनका सबसे बड़ा रेवेन्यू ड्राइवर है, मैक्सिमम रेवेन्यू वहीं से आता है, उसमें मार्जिन मेंटेन किए इन्होंने लगभग हर मार्केट पे। तो इसको आप मान के चले कि यहाँ पे एक बेहतर उम्मीद बनती कि अगर ये सस्टेन कर ले गए, वो एक अच्छा पैमाना यहाँ पे है। हालांकि जो कंपनी कह रही कि उनके जो प्रॉफिट आए स्टैंड लोन बेसिस पे, वो काफ़ी बढ़ के हैं, 350 करोड़ के आसपास आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, वो इंटरेस्टिंग है। कई जगहों पे जो वन टाइम लॉस था, उसको भी आपको इसमें से हटाना पड़ेगा, जो कि उन्होंने किया है। लेकिन चैलेंज आगे ये होगा आशीष, कि क्या ये मार्जिन यूरोप में, चाइना में मेंटेन होंगे, क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर है। तो ऑपरेशनल नंबर वीक है, मार्जिन जेएलआर के अच्छे हैं, आगे का चैलेंज है। आगे की दिक्कतें हैं, और मैनेजमेंट कमेंट्री फिर भी ठीक थी। ठीक है, वो होपफुल है कि अच्छा है। कॉन्फिडेंस ऑन इंडिया मार्केट में बहुत लॉन्चेस है, और सीवी का यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक ही था। जेएलआर का मार्जिन एक्सपेक्टेशन से बेहतर है, 150 बेसिस पॉइंट्स का बीट है। हम जो 150 एक्चुअली में स्ट्रीट जो था वो 10-11% के आसपास था, उन्होंने 12.6 का मार्जिन दिखाया है। क्योंकि नीरज जी ने कमेंट किया ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है चाइना और यूरोप के मार्जिन्स, क्योंकि Q1 में कंपनी ने गाइड किया है कि कैश फ्लो भी नेगेटिव रहेंगे और एबिट मार्जिन भी नेगेटिव रहेंगे, क्योंकि जो चाइना में लॉकडाउन है उसके कारण काफी मार्जिन्स पे असर हुआ है। और अगर हम बात करें यूरोप की भी, तो वहां भी यूक्रेन के कारण दिक्कतें हैं, लेकिन ऑर्डर बुक रिकॉर्ड लेवल्स पे है, ये एक सिल्वर लाइनिंग है। और FY23 का गाइडेंस बहुत सरप्राइजिंग है आशीष, उन्होंने कहा है कि £1 बिलियन का FY23 में फ्री कैश फ्लो रहेगा, और मार्जिन्स भी बेहतरीन यहां से होंगे, क्योंकि Q2 से रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैनेजमेंट। और पीछे जतिन के आप देख रहे थे, तमाम ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स आ गई हैं, टाटा मोटर्स, सभी ने टारगेट बढ़ाया है, सभी ने अपने अर्निंग्स एस्टिमेट बढ़ाए हैं। समअप कर दूं ब्रोकरेजेस? दिख जाएगा फटाफट, काफी करेक्ट हुआ एकदम से। आपके यूरोप और चाइना